राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत अपने एक बयान की वजह से विवाद में हैं। उन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे और अमीर परिवारों में तलाक के मामले ज्यादा होते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि पढ़ाई और पैसे के साथ घमंड भी आता है और इसकी वजह से परिवार टूट जाते हैं। रविवार 16 फरवरी को अहमदाबाद में हुई एक मीटिंग में आरएसएस के कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने ये बात कही। अब इसी दौरान उन्होंने तलाक पर भी बात की। मोहन भागवत ने कहा, आजकल तलाक के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं, लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते हैं, घमंड की वजह से परिवार टूट रहे हैं, समाज भी बर्बाद हो रहा है क्योंकि वो भी एक परिवार की ही तरह है। बिना परिवार के समाज नहीं होता। महिलाओं को जागरूक होना चाहिए क्योंकि वो समाज का आधा हिस्सा है। समाज की जो हालत आज है वो पिछले 2000 सालों में हो रही घटनाओं की वजह से हुई है। महिलाएं घर के भीतर बंद कर दी गई थीं। ये सब 2000 साल पहले नहीं होता था। वो हमारे देश का गोल्डन पीरियड था। इंडिया टुडे में छपी 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 1000 शादियों में से 13 शादियों में डिवोर्स होता है, यानी लगभग 1% जोड़ियाँ ही तलाक लेती हैं। स्पेन, फ्रांस और रशिया जैसे देशों में ये 50-60% तक है, यानी कि 1000 शादीशुदा जोड़ों में से 500-600 जोड़े तलाक लेते हैं वहाँ। भारत में तलाक की दर दुनिया में सबसे कम है। हमने बात की सुप्रीम कोर्ट वकील विजया लक्ष्मी से। उन्होंने बताया कि हर डिवोर्स केस के फैक्ट अलग होते हैं। इनके पीछे जनरली बड़े इशूज़ नहीं होते, छोटे इशूज़ होते हैं। एडजस्टमेंट की दिक्कत होती है। पहले पेरेंट्स वगैरह मामले को सॉर्ट करवा देते थे, लेकिन आज के सिनेरियो में दोनों के परिवार वाले भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। डिवोर्स के पीछे समय ना मिलना, कम्युनिकेशन की कमी जैसे रीजंस होते हैं, लेकिन ये बात जनरलाइज नहीं की जा सकती। जो डिपेंडेंट महिलाएं होती हैं या फिर उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो लोग सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर लड़की इंडिपेंडेंट होती है, वर्किंग है, उसके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो वो झुकने को तैयार नहीं होते। कई बार डिवोर्स केसेस इसलिए भी डाले जाते हैं लड़कों की साइड से, ताकि लड़की पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। ये स्टेटमेंट पब्लिक के लिए जनरल तरीके से नहीं कहा जा सकता। मजदूरी करने वाली कम पढ़ी लिखी औरतें मार खा कर भी घर पर ही रहती हैं। डिवोर्स के बारे में या तो सोचती भी नहीं है या फिर झिझकती हैं। श्रेष्ठ जैन एडवोकेट हैं, मैट्रिमोनियल केसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में स्पेशलाइज करते हैं। इनसे भी हमने बात की। इन्होंने हमें बताया कि डिवोर्स जिनके बीच हो रहा है वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। करियर और सक्सेस के चक्कर में लोग अपना भी ख्याल रखना भूल जाते हैं। पार्टनर और बच्चों को समय देना भी मुश्किल हो जाता है। मैंने एक 50 साल के कपल का डिवोर्स होते हुए भी देखा है, ये उन्होंने हमें बताया, यानी जो वकील हैं उन्होंने बताया। जज ने पूछा कि डिवोर्स क्यों ले रहे हो, तो पत्नी ने सिर्फ इतना कहा कि मैं इस इंसान से बात नहीं कर सकती। अब देखिए, सबसे पहली बात, कई महिलाओं को उनके राइट्स ही पता नहीं होते। दूसरी बात, अगर वो अपनी दिक्कतें पेरेंट्स से डिस्कस करती हैं तो उनके पेरेंट्स भी उन पर प्रेशर डाल देते हैं। तीसरी बात, अगर वो हिम्मत करके पुलिस तक भी जाएं तो पुलिस वाले ही उन्हें डरा देते हैं, जब वो देखते हैं कि इन लोगों के पास केस लड़ने की कुव्वत नहीं है। चौथी बात, अगर कोर्ट तक कोई पहुंचे भी तो सही वकील मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर वकील मुफ्त में केस नहीं लड़ता। मोहन भागवत की कही बात सही है। पढ़े लिखे और अमीर लोगों के बीच तलाक के मामले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ महिलाओं के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने दम पर खड़ी हो सके, अपना ख्याल रख सके। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं और गरीब घरों से आते हैं, उनके पास इस तरह के ऑप्शन नहीं होते। महिलाएं ये सोचकर चुप रह जाती हैं कि मर्द छोड़ देगा तो वो कहाँ जाएंगी, कौन पूछेगा, और अगर बाल बच्चे हैं तो उनकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। मोहन भागवत का बयान गलत नहीं है, उनसे हमारा जो मतभेद है वो बुनियादी है। उन्हें लगता है कि तलाक एक बुरी चीज़ है, लेकिन हमारा ये मानना है कि एक बुरी शादी में रहने से कहीं बेहतर तलाकशुदा होना है, चाहे वो पति हो या पत्नी, दोनों के लिए। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन डॉग। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी प्रेरणा ने लिखी है। अब अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन डॉग को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।